नमस्कार दोस्तों, शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार को ये कथा अवश्य आप लोगों को सुननी चाहिए। इससे जो आपके जीवन में साढ़े साथी है या आपके जीवन में बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, शनिवार आपकी राशि पर भारी पड़ रहा है, तो ऐसे में आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए दिल से पूरी भक्ति के साथ इसे सुनते हैं। एक गाँव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह जब वो सोकर उठा तो कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में हो? तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे रोज सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और कहता है, मैं तेरे लगूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, ये तो शनि देव हैं और आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब जो वो सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पैर से ज्यादा ही हाँ मत भरना। अगले दिन फिर ब्राह्मण को रात में वही सपना आया और वह ब्राह्मण बोला, लग जाओ शनिदेव। शनिदेव ने इस पर कहा, ब्राह्मण, मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये तो मुझसे सहन नहीं होगा। शनिदेव बोले, ठीक है तो 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर फिर से ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये भी नहीं। फिर शनिदेव बोले, 2.5 बरस लगूंगा। नहीं महाराज, ये तो नहीं झेला जाएगा। ऐसे करते करते शनिदेव बोले, 1.25 पहर के लिए तो जरूर लगूंगा, ये मेरी दशा तुझे अब सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला, मुझे 1.25 पहर की दशा लग गई है, तू मुझे सोने के 2-2 टके दे दे, मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊँगा। तू घर पर ही रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया और वहाँ पूजा पाठ करने लगा। ब्राह्मण ने सोचा, 1 पहर तो बीत ही गया है, थोड़ी सी ही देर है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर वो घर की ओर चल पड़ा, परंतु शनि की दशा से कौन बच सका है। शनि देव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। माली को आवाज लगाई लेकिन माली नहीं आया, तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका वहाँ रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चल दिया। शनि देव के राजा के सैनिक वेश धारण कर आए और बोले, ये तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मतीरे तोड़ कर लाया हूँ। तब उन्होंने कहा, ऐसा कर, खोल के दिखा हमें। जैसे ही उसने थैला खोला तो मतीरों की जगह राजा के पुत्र के सिर दिखे और वह ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है, इस थैले में उनके सिर हैं। राजा के होश उड़ गए और वो बोला, इस ब्राह्मण को तुरंत फांसी पे लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दिए जाने लगी तो ब्राह्मण उससे पहले बोला, ऐसा करता हूँ, मैं अपना पूजा पाठ कर लेता हूँ, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की दशा का जो थोड़ा समय बचा था वो उस पूजा पाठ करने में पूरा हो गया और उधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया, उसने सोचा, ये क्या, मेरे बेटे तो जिंदा है। तभी राजा ने तुरंत ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी। तभी राजा ने ब्राह्मण से कहा, अरे तूने ये क्या जादू टोना किया, कैसे तेरे थैले में मेरे दोनों बेटों के सर आ गए, वो तो मेरे सामने साक्षात खड़े हैं, ऐसा कैसे किया तूने? नहीं महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ये तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। तब राजा ने पूछा, अरे दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा शनि की दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए, किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए, साधारण व्यक्ति को ग्रह लगे तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दें, पीपल में जल सींचे और कथा कहानी करें। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, अरे थैले में क्या लाए हो? तभी ब्राह्मण ने बोला, मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो मतीरों की जगह धन ही धन हो गया। पत्नी ने पूछा, अरे इतना धन कहाँ से ले आए हो? आपके ऊपर तो शनि की दशा लगी थी। तब ब्राह्मण बोला, अरे जब दशा लगी थी तो मतीरे की जगह सिर रख दिए थे, फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो गई थी और जैसी दशा उतरी तो मतीरे की जगह धन कर दिया। ही शनि महाराज, जैसी हालत ब्राह्मण की लगती दशा में करी वैसे किसी की ना करें, और जैसी दशा उतरने पर करी वैसी दशा सबकी करना। बोलो जय शनि महाराज की, जय शनि महाराज की। तो अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में शनि देव महाराज का जयकारा जरूर लगाएं, तो आपके परिवार पर भी शनि देव की कृपा सदा बनी रहेगी। धन्यवाद। Thank you.